जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र की माल गोदाम रोड पर पीपल का पेड़ काटने की सूचना पर पहुंचे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता और पुलिस। जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के माल गोदाम रोड पर सुबह उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब कुछ लोग पीपल का पेड़ काट रहे थे। हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस समेत वन विभाग की टीम को बुला लिया। पेड़ का कटान कर रहे लोग पुलिस को देखकर भाग निकले। इस मामले में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर जांच कर कार्यवाही की मांग की है। मालगोदाम रोड पर बाइक एजेंसी के सामने गली में साबुन फैक्ट्री के निकट एक घर में सटकर प्राचीन पीपल का पेड़ है, जहां लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। दोपहर करीब 12 बजे कुछ लोग प्राचीन पीपल के पेड़ का कटान कर रहे थे, उसी समय हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को भनक लग गई। कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे तो कुछ लोग एक घर में जा रही पेड़ की शाखा को काट रहे थे। पेड़ का कुछ हिस्सा पहले से ही कटा पड़ा था, जिससे कार्यकर्ता भड़क गए और विरोध पर उतर आए। खासा हंगामे की स्थिति बन गई। सूचना पाकर कोतवाली पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को आता देख पेड़ काट रहे लोग औजार छोड़कर भाग निकले। इस मामले में हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय प्रचारक प्रमुख कौशल किशोर वंदे मातरम ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मामले की जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। मेरा नाम शिवम पाठक है। पाठक जी, किस विभाग से हैं आप? मैं वन विभाग से हूं सर। अभी ये क्या मामला है, आप यहाँ खड़े हैं, समय मौके पे आए, क्या है ये जो वन विभाग के इसके गुद्दे काटे गए हैं? किसी जगह पेड़ है? पीपल का पेड़ है। हाँ हाँ, और इसके लिए परमिशन लेनी चाहिए। आप जिसने भी ये काटा है इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई होती है इसमें? इसमें सर मतलब इसमें वन विभाग की तरफ से जो कार्रवाई की जाएगी उसमें या तो इसका जुर्माना है या फिर जो है सजा भी है। जो भी है मैं अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क करके इसके बारे में बताऊँगा। अभी मौके पे क्या देखा आपने? मौके पे मैंने देखा एक गुद्दा इसका कटा हुआ है और मौके से मैंने रस्सी भी बरामद की है, इसके सहारे से इसको गुद्दे को उतारा गया था। ये क्या मामला है, जो पेड़ वेड़ कट रहा है, क्या है, किस चीज़ का पेड़ है? ये बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। यहाँ सभी लोग पूजा वगैरह करते हैं, शनिवार को यहाँ दीपक वगैरह जलाते हैं और 20 साल पहले भी किसी ने इसकी टहनी कटवाने की प्रयास करा था, वो मैंने रुकवाया था और आज सूचना मिली है यहाँ पर कुछ लोग काट रहे हैं पेड़, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं और वन विभाग को सूचना दी मैंने। वन विभाग वाले भी आ चुके हैं और प्रशासन को भी सूचना दी है। और बहुत पुराना पेड़ है, बगैर वन विभाग के परमिशन के और किस प्रकार से ऐसा ये काट लेंगे, इन्होंने इतना मोटा टुकड़ा ये काट दिया। तो ये पेड़ है किस चीज़ का? ये पीपल का पेड़ है जो पूजा होती है यहाँ पर। जब कौन काट रहे हैं जानकारी है? धार्मिक मान्यता है, कोई गुप्ता करके हैं, कोई अभी सामने नहीं आए कौन है, किन्ने कटवाए हैं। और हम लोग जब तक पहुँचे तब तो वो काटने वाले यहाँ से भाग चुके थे, अपना रस्सा या वगैरह जो छोड़ रहे हैं और वो आए हैं। और जो धार्मिक मान्यताओं का जो अभी मौके पर कोई अधिकारी आए? मौके पर अभी हमने वन विभाग को सूचना दी है, वन विभाग वाले आए हैं और अभी शिवम पाठक और पप्पू जो है वो वन विभाग पे आए हुए हैं। क्या कार्रवाई की है उन्होंने यहाँ पे आके? और अभी देखो कार्रवाई चल रही है, अभी मैंने कोतवाल को प्रशासन को सूचना दी है, वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं।